हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं निशांत और स्वागत करता हूं आप सभी का बिहार एग्रीकल्चर एकेडमी में। तो दोस्तों, आप लोग फटाफट आ जाइए, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। गुड इवनिंग आप सभी को, आप सभी लोग फटाफट आ जाइए, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। हेलो सर, कैसे हैं? मस्त है, अपना बताइए, आप लोग अच्छे हैं? गुड इवनिंग आप सभी को, आप सभी लोग फटाफट आ जाइए, आप सभी की क्लास स्टार्ट हो चुकी है। सर, एग्रीकल्चर का और नर्सिंग का रैंक अलग अलग बनता है या एक में ही? अलग अलग बनता है सबका। एग्रीकल्चर वाला का जो रैंक होता है ना, वो अलग अलग बनता है, ठीक है? हाँ, देखिए कितने लोग आंसर दे रहे हैं आपको। चलिए आइए फटाफट आप लोग, चलिए आज हम लोग देखेंगे जो आपका एप्लीकेशन, जो आपका टेस्ट हुआ था वेबसाइट पे, ठीक है? आज से कुछ दिन पहले आप लोग को बताए थे कि आपको एक वेबसाइट पे हमने टेस्ट सीरीज दिया है, आप उस टेस्ट को दे सकते हैं। आप लोगों ने जाकर के अच्छा खासा टेस्ट अटेम्प्ट भी किया था, यहाँ पे दिख रहा है फ्री टेस्ट एग्रीकल्चर, इस पे आपको क्लिक करना था। और क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पे 5 टेस्ट दिख रहे थे, ये 5 टेस्ट आपको दिखा था। आप लोगों ने क्या किया, इस टेस्ट को दिया भी है। तो यहाँ पे आप लोग का एक समस्या आ रही थी कि सर इसका आंसर शो नहीं कर रहा है। तो आज की इस क्लास में हम लोग फटाफट टेस्ट 1 और 2 दोनों का आंसर इस क्लास में करेंगे, ठीक है? आज की इस क्लास में टेस्ट 1 का आंसर सोल्यूशन और टेस्ट 2 दोनों का हम लोग सोल्यूशन यहाँ पे करेंगे, ताकि जल्दी से क्या हो सके, ज़्यादा क्वेश्चन आपको बता सके, क्योंकि टाइम कम है। आज 28 तारीख हो गए हैं, अगर मैं एक एक पर डे कराऊंगा तो बहुत लेट हो जाएगा। इसीलिए आप लोग आंसर थोड़ा फास्ट दीजिएगा, ताकि हम जल्दी जल्दी आंसर बता सके, ठीक है? टेस्ट 1 का और टेस्ट 2 दोनों का आंसर मैं बताऊंगा। बाकी मैं उन बच्चों को कह दूं जो अभी तक टेस्ट नहीं दिए हैं, जाइए ऐप पे जाकर के आप लोग टेस्ट दे सकते हैं, या फिर वेबसाइट पे जाइए, वेबसाइट पे जाके आप लोग टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्या करना है आपको, लिखना है गूगल पे krishieducation.com, और यहाँ पे आने के बाद क्या करना है आपको, फ्री टेस्ट एग्रीकल्चर पे जाके क्लिक करना होगा, और यहाँ पे 5 टेस्ट आपको दिख जाएगा, और इसको अटेम्प्ट कर सकते हैं आप लोग। अभी तक ये टेस्ट ओपन है, आप इसको दे सकते हैं। बाकी जो लोग नए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, यहाँ पे आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। बच्चों यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आज यहाँ पे 50 क्वेश्चन यहाँ पे हैं, अगर आपको ऊपर दिख रहा होगा तो 50 क्वेश्चन इस सेट में है, और ये सारे टेस्ट आपके ऐप पे जो हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हैं, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हमारा है, हाईएस्ट इरिगेटेड स्टेट ऑफ इंडिया इज, भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी पंजाब, ऑप्शन सी यूपी, एंड ऑप्शन डी आपका है यहाँ पे तमिलनाडु। फटाफट आप लोग आंसर दीजिएगा, ताकि जल्दी से आंसर हम बता सके। भारत का सर्वाधिक सिंचित राज्य कौन सा है? बहुत बढ़िया आंसर दिए आप सभी लोग। स्टार्ट नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप हमें कॉल कर लीजिएगा, मैं स्टार्ट करवा दूंगा। बाकी स्टार्ट अभी तक मैंने ओपन करके रखा, आप टेस्ट को दे सकते हैं। वेरी गुड, हाँ ऑप्शन बी यहाँ पे इज करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो है पंजाब जो है करेक्ट आंसर होगा। देख लीजिए सुधांशु, सुधांशु आप लोग रोज रोज पढ़ते हैं क्लास में, अब देखिए यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट है, वो कॉल कर रहा है अभी। बताइए, आप लोग हमेशा सुधांशु का नाम लेते रहते हैं ना, अभी कॉल कर रहा है ये। हेलो हेलो, चलिए आइए क्वेश्चन पे आते हैं, वरना इसका कॉल। चलिए सही आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, विच ऑफ द माइक्रो एलिमेंट इज मोस्ट यूजफुल फॉर शुगर प्रोडक्शन इन शुगर कैन? सूक्ष्म कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक होता है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी लोहा कॉपर, एंड ऑप्शन डी इज, ये क्या हो गया, ऑप्शन डी इज जिंक। हेलो,
यूट्यूब पे क्लास स्टार्ट है, आप ज्वाइन तो कीजिए। आपका सब नाम ले रहा है चैट बॉक्स में सब स्टूडेंट। ठीक है, पहले यूट्यूब पे क्लास कर लीजिए ना, लाइव है अभी हम। चलिए, क्या था यहाँ पे क्वेश्चन? कौन सा सूक्ष्म तत्व सबसे अधिक लाभदायक है? ऑप्शन ए मैग्नीशियम, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी कॉपर, एंड ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया गया जिंक के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर जो होगा, हाँ ऑप्शन ए जो है करेक्ट आंसर होगा, मैग्नीशियम। ठीक है, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं हम लोग। अगला है आपका, हाउ मच परसेंटेज ऑफ ऑयल इज ऑब्टेंड फ्रॉम ग्राउंड नट। सबको पता है कि मूंगफली के दाने में कितने परसेंट तेल पाया जाता है, बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये भी। और कल हम बीसीसी का क्वेश्चन करवा रहे थे बिहार कंबाइंड का, तो वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा गया था 2020 वाला सेट में, आप लोग को याद होगा। क्या बताइए सर, जूम कीजिए ना, छोटा दिख रहा है क्या आप लोग को? इतना तो अच्छा दिख रहा है जी। जूम कर दे क्या, और आप लोग का वेट कीजिए, जूम कर दे और, लेकिन फिर ऑप्शन नहीं दिखेगा अच्छे से। लीजिए जूम हो गया, चलिए जूम हो गया। कितना होगा? ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, 45% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला हमारा जो यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, लवणीय तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? हाईएस्ट एरिया ऑफ सलाइन एंड अल्कली सॉइल इज इन स्टेट ऑफ विच स्टेट, कौन सा स्टेट है बताइए। लवणीय तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? ऑप्शन ए यूपी, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी एमपी। मैं आपको एक चीज बता दे रहा हूँ, ठीक है, पहले आंसर दीजिए फिर बता रहा हूँ। दीजिए आंसर आप लोग फटाफट। लवणीय तथा क्षारीय भूमि का क्षेत्रफल किस प्रदेश में सर्वाधिक है? और ये क्वेश्चन जो है आपका क्लास 12th एग्रीकल्चर का एक बुक का पॉइंट है, सीआरटी बुक। ठीक है, चैप्टर नंबर 4, सॉइल एंड वाटर मैनेजमेंट, जो बच्चा पढ़ा होगा उसको अच्छे से याद होगा, हमने बताया भी है, नोट्स में भी दिया है। ठीक है, करेक्ट आंसर होगा यूपी, उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यूपी में जो है सबसे अधिक होता है ये। बहुत बढ़िया आंसर है आप लोग का। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है यहाँ पे, भारत में सबसे उपजाऊ मृदा कौन सा है? मोस्ट प्रोडक्टिविटी सॉइल ऑफ इंडिया इज, ऑप्शन ए जलोढ़ मृदा, ऑप्शन बी लवणीय मृदा, ऑप्शन सी लाल मृदा, एंड ऑप्शन डी आपका काली मिट्टी। फटाफट आंसर दीजिए आप लोग, क्या होगा? हाँ, एसीर के लिए डब्ल्यू बी, वेस्ट बंगाल होगा, एकदम सही आंसर दे रहे हैं, बहुत सुंदर। चलिए फटाफट आंसर दीजिए, सीयूटी का आंसर की आ गया। हाँ, सीयूटी का जो लोग को नहीं पता है, मैं इस पे वीडियो आजकल कम बना रहा हूँ नोटिफिकेशन वाला चीज पे, ठीक है, तो जान लीजिए सीयूटी का आंसर की जारी कर दिया गया है वेबसाइट पे, तो आप लोग जाकर के चेक भी कर सकते हैं। अभी शायद पूरा आया नहीं है, ठीक है, हमने बस उनका वो पढ़ा था, ट्विटर पेज पढ़ा था। ठीक है, तो शायद 200 रुपया पर क्वेश्चन के हिसाब से ले रहे हैं, अगर आपको डाउट वगैरह है तो आप वो कर सकते हैं। ठीक है, जो कि बहुत गलत हो रहा है, समझ सकते हैं स्टूडेंट के साथ, 200 रुपया काफ़ी हाई अमाउंट है एक बच्चा के लिए। चलिए आइए आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर 5 का। हाँ, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही आंसर होगा, यानी कि जलोढ़ मिट्टी जो है सही है, एलोवियल सॉइल। आगे चलते हैं, अगला है, पाइराइट्स में कितने परसेंट सल्फर होता है? ये क्वेश्चन कभी कभी पूछे जाते हैं, नॉर्मली नहीं पूछे जाते हैं, समटाइम्स। ठीक है, और वेबसाइट भी वर्क नहीं कर रहा है उसका, पता है। देखिए, जब भी किसी अचानक ट्रैफिक आता है ना वेबसाइट पे, तो वो काम नहीं करता है। ठीक है, अच्छा आंसर की क्लिक कर लिए हैं आप, प्रिंस आ गया, सुधांशु कुमार लिख रहा है सीयूटी आंसर की 315 आ रहा है। चलिए ठीक है, आंसर दीजिए, पाइराइट्स में कितने परसेंट सल्फर होता है? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर दीजिए। हाँ, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी यहाँ पे होगा 22 से 24%। ठीक है, थोड़ा सा फास्ट चल रहा हूँ आज, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन क्या करें, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है इसलिए। अगला है, नीचे दिए गए तथ्यों में कौन सा सूक्ष्म पोषक तत्व तो पौधे के लिए नहीं है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फ्लोइंग एलिमेंट इज नॉट माइक्रो माइक्रो न्यूट्रिएंट, इसमें से कौन सा ऐसा है
जो माइक्रो न्यूट्रिएंट नहीं है। ऑप्शन ए कॉपर, ऑप्शन बी बोरॉन, ऑप्शन सी आयरन एंड ऑप्शन डी यहाँ पे होगा। ऑप्शन छूट गया है क्या यहाँ पे? एक यहाँ पे छूट गया, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे सी नंबर में होगा सल्फर। ठीक है, सल्फर। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्या होगा बताइए? पौधे के लिए कौन सा नहीं है, कॉपर की रिक्वायरमेंट भी होती है, बोरॉन भी होता है और लोहा आयरन का भी होता है। सल्फर इज करेक्ट आंसर, जो हमने सल्फर लिखा है ये यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन सी सल्फर जो है माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है। ठीक है, याद होगा आप लोग को, फेकू मनमोहन जावे निकल करके ट्रिक है और कौन मांगे किसका प्यार करके ट्रिक है। इस तरह से आप लोग याद रखिएगा तो आपको अच्छे से याद आएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, पाइराइट सबसे अधिक किस प्रदेश में पाए जाते हैं बताइए? हाईएस्ट पाइराइट इज फाउंड इन विच स्टेट, किस स्टेट में? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु। सुधांशु को जो है ना इंडिया का टॉप कॉलेज मिलेगा। ठीक है, पाइराइट जो है सबसे अधिक कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में, बिहार में, तमिलनाडु में या फिर आंध्र प्रदेश में? इसका आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। तो याद रखिएगा बिहार का ही क्वेश्चन है ये जो है बिहार में सबसे अधिक होता है। कहाँ होता है? बिहार में। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि परसेंटेज ऑफ सल्फर इन जिप्सम, जिप्सम में सल्फर की मात्रा पाई जाती है। अच्छा क्वेश्चन है बिहार कंबाइंड के लिए। ठीक है, 2023 के लिए अच्छा क्वेश्चन है ये भी। जिप्सम में जो है सल्फर की परसेंटेज कितना कितना परसेंट होता है ये बताना है आपको। आपको बताना है जिप्सम में सल्फर की प्रतिशत मात्रा पाई जाती है कितना परसेंट। ऑप्शन ए 15, ऑप्शन बी 18, ऑप्शन सी 25 एंड ऑप्शन डी आपका यहाँ पे दिया गया है 30, यानी कि 30। तो ऑप्शन, हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी 18 यहाँ पे दिया गया, ये आपका सही आंसर है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला आपका यहाँ पे है, क्वेश्चन गायब हो गया क्या यहाँ पे? लो भैया क्वेश्चन ही गायब हो गया, सिर्फ आंसर यहाँ पे आया है, छोड़ दीजिए। अगला है, क्षेत्र प्रबंधन का सबसे प्रमुख होता है, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट इन फार्म मैनेजमेंट इज, ये दरअसल ये जो है ना पीडीएफ, वो टेस्ट वाला जो पीडीएफ था उसको टेस्ट वाला पीडीएफ को हमने कन्वर्ट किया इसमें, इसलिए कुछ क्वेश्चन यहाँ पे स्किप हो गए हैं जो ऐप पे आप लोग टेस्ट दिए थे ना, इसलिए। चलिए आइए फटाफट बताइए, मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट इन फार्म मैनेजमेंट इज, ऑप्शन ए प्रोडक्शन यूनिट, ऑप्शन बी मार्केटिंग यूनिट, ऑप्शन सी कॉस्ट फिक्सिंग यूनिट, ऑप्शन डी बजट यूनिट। क्वेश्चन नंबर 11 क्या होगा? साफ नहीं दिख रहा है, सरफ लेके साफ कर दीजिए स्क्रीन को मोबाइल का। बताइए मोस्ट इंपोर्टेंट यूनिट इन फार्म मैनेजमेंट इज क्या होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, मैक्सिमम बच्चा सही बता रहा है, प्रोडक्शन यूनिट इज करेक्ट आंसर। क्या होगा यहाँ पे? उत्पादन इकाई जो है सही आंसर यहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, आप थोड़ा सा जो है ना क्वालिटी इंप्रूवमेंट कर लीजिए, 240 पे कर लीजिए, आपको साफ दिखेगा। आप जो है 144 पे देख रहे हैं अभी, इसीलिए आपको जो है दिखाई नहीं, इसको कट कीजिए, 240 पे लगाइए फटाफट, पूरा ऑप्शन नहीं दिख रहा है। चलिए अब दिखेगा, अब दिखेगा। अगला बताइए, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश इन, भारतीय खाद्य निगम की स्थापना कब हुई थी? अच्छा क्वेश्चन है बिहार कंबाइंड के लिए भी, क्योंकि आपका जो चैप्टर है 11th का, उसमें ये सब चीज़ डिटेल में दिया गया है। ठीक है, क्लास 11th का जो आपका चैप्टर है ना उसमें डिटेल में ये सब चीज़ें दी गई है। सर प्लीज साफ कीजिए भैया, हम तो पूरा तरह से साफ करके रखे हुए हैं, अब नहीं दिख रही है तो। चलिए इसका जो आंसर होगा 1965 होगा, चलिए 1965 इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये, एग्रीकल्चरल इकोनॉमिक्स का चैप्टर है ये। ठीक है, चैप्टर नंबर 7, बताइए भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? या हम तो अपना तरफ से पूरा पूरा साफ भी कर दिए हैं, अब नहीं दिख रहा है तो थोड़ा क्वालिटी इंप्रूवमेंट कीजिए आप लोग भी ना।
क्वेश्चन नंबर 13 आपका है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 को हुई थी, सबको पता होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। आगे चलते हैं, अगला है भारत की जनसंख्या, बहुत पुराना डेटा है, नहीं पूछता है आपका, जो 11 वाला पूछ सकता है कि 11 का कितना है, सुन लीजिए, बता दे रहे हैं, थोड़ा क्वेश्चन चेंज कर दे रहे हैं, इसको इरेज कीजिए आप जो है आपके, क्योंकि आपका जो चैप्टर नंबर 7 है एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स, उसमें जो है ना हर चीज 2011 का दिया गया है, तो आप लोग एक बार गूगल पे देख लीजिएगा कि 2011 के अकॉर्डिंग भारत की जनसंख्या कितनी थी। ठीक है, आज फिर नहीं दिख रहा अनुभव का कमेंट, पता नहीं क्या प्रॉब्लम आ रहा है, हमने कल भी पता नहीं कहाँ से क्या सेटिंग है, क्या है नहीं है, उसका कमेंट क्यों नहीं आ रहा, ये हमें पता ही नहीं चल पा रहा है। बेचारा कल मैसेज भी किया था व्हाट्सएप पे, बड़ा बुरा लगा देख करके। चलिए, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? पूछा जाएगा नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है, तो नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, बीएससी के बाद बहुत सारा जॉब होता है इसके अंदर नाबार्ड में। बताइए, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, जिसको हम लोग नाबार्ड कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, इसका एस्टेब्लिश कब हुआ, स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन दिखा रहा हूँ मैं आपको, ऑप्शन ए 1969, ऑप्शन बी 1981, ऑप्शन सी 1982, ऑप्शन डी 1983। नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? ठीक है, हम जिस चैप्टर का नाम लेंगे ना कि इससे क्वेश्चन आ जाएगा, देख लीजिएगा, सुधांशु कुमार कमेंट करेगा सर इस चैप्टर का क्लास यूट्यूब ऐप पे ले लीजिए। चलिए बताइए, हाँ इसका जो करेक्ट आंसर होगा, आप लोग सही दे रहे हैं, 1982 करेक्ट आंसर होगा, 1982 ईस्वी, ऑप्शन सी, हाँ एकदम सही, 12 जुलाई, एकदम सही आंसर दे रहे हैं, कितना, 12 जुलाई 1982, बहुत बढ़िया, क्या बात है, सही है, आप लोग का बहुत अच्छा आंसर आ रहा है। यूपी का क्वेश्चन है, पूछे जाने की संभावना कम है, नहीं बताएंगे, छोड़ दीजिए। डेयरी फार्म सेंट्रल है ना, पूछ देगा ये, सेंट्रल डेयरी फार्म की सिचुएटेड कहाँ है, बताइए सेंट्रल डेयरी फार्म स्थित है कहाँ, ऑप्शन ए एटा दिया है, ऑप्शन बी अलीगढ़, ऑप्शन सी फैजाबाद, तीन ही ऑप्शन दिया गया इसमें भी, लगता है मिस प्रिंट है, ऑप्शन जो करेक्ट होगा मथुरा में ये है, वो ऑप्शन छोड़ दिया है। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है बिहार कंबाइंड के लिए भी, इसके लिए बिहार कंबाइंड के लिए, क्या है गाय के दूध का कार्बोहाइड्रेट है क्या, सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फ्रुक्टोज? अलीगढ़ में है, अच्छा सॉरी, अलीगढ़ हो सकता है इसका आंसर, क्या था, सेंट्रल डेयरी फार्म, चलिए अलीगढ़ में, वेरी गुड आंसर दीजिए इसका, कहाँ है क्वेश्चन नंबर, ये गाय के दूध का कार्बोहाइड्रेट सुक्रोज, ग्लूकोज, लैक्टोज या फिर फ्रुक्टोज? ठीक है, बीसीसी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स क्या होता है, क्वेश्चन कैसे अटेंड करना है, क्या लेके जाना है, ये सब आपको जो है 30 तारीख के क्लास में मिल जाएगा, 30 को जो है, या 29 कल है ना, कल आपको एक क्लास जो है रात में, रात 12 बजे में भी हम क्लास डाल देंगे यूट्यूब पे, ठीक है, या 10 बजे रात तक डाल देंगे, आप उसको देख लीजिएगा, उसमें हर एक इन्फॉर्मेशन को मैं आपको डिटेल में बताऊंगा जो आपके लिए इंपॉर्टेंट होंगे, कितना क्वेश्चन करना है, क्या बनाना है, क्या छोड़ना है, क्या लेके जाना है। ठीक है, चलिए क्या था 18 नंबर का आंसर दीजिए आप लोग, गाय के दूध का कार्बोहाइड्रेट क्या होगा, लैक्टोज इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, बहुत बढ़िया आंसर दिए आप लोग। आगे चलते हैं, अगला है भारत में प्रथम गर्भधारण सबसे पहले कब हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, एनिमल हस्बेंड्री, हाँ भैया सीयूटी का आंसर की आ गया है, सारे बच्चों को पता भी चल गया है, ठीक है कल ही ला देंगे रात में, ठीक है कल रात में ही ला देंगे ये चीजें, डोंट वरी। बताइए पहला गर्भधारण कब हुआ था, ऑप्शन की बात करते हैं अगर, तो ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, ऑप्शन ए 1939, ऑप्शन बी 1940, ऑप्शन सी 1941, देख लीजिए, अगर ऐसा ऑप्शन देता है ना बच्चा बहुत कंफ्यूज करता है, देख रहे हैं कंटिन्यू ऑप्शन देना शुरू कर दिया आसपास का, बताइए क्या होगा, पता है आप लोग को, सही आंसर दे रहे हैं ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1939 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन यहाँ पे छूटा हुआ है, हालांकि क्वेश्चन मैं पढ़ देता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसीलिए
कहा गया है कि एक गाय को पर डे कितना नमक खाना देना चाहिए, एक गाय का प्रतिदिन नमक देना चाहिए। बताइए एक गाय को प्रतिदिन कितना नमक देना चाहिए, ये आंसर दीजिए। ऑप्शन ए 20 से 30 ग्राम, ऑप्शन बी 50 से 60 ग्राम, ऑप्शन सी 70 से 80 ग्राम, ऑप्शन डी 90 से 100 ग्राम। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 50 से 60 ग्राम। ठीक है, हाँ सही है सर, 1943 दिया हुआ है सुंडा में, एक बार चेक कर लीजिएगा। मेरे ख्याल से 1939 इज करेक्ट आंसर। ठीक है, मेरे ख्याल जहां तक हमें ध्यान में है इसका आंसर 1939 ही होगा। यस चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आपका क्लास 12 का क्वेश्चन है ये भी। ठीक है, केक आर रिच इन, केक जो है किसमें क्या पाया जाता है, खल्ली में किसकी प्रचुरता अधिक होती है। क्लास 12 वाला बच्चा सब जानता होगा, चैप्टर नंबर 2 कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, नाम भी बता रहे चैप्टर का। बताइए खल्लियों में कितनी क्या अधिक होता है, वसा होता है, प्रोटीन होता है, शर्करा होता है, लवण होता है। तो खल्ली में जो होता है ना प्रोटीन पाई जाती है ना। ठीक है, क्या होता है, प्रोटीन इज करेक्ट आंसर। खली में जो पाई जाती है वो प्रोटीन पाई जाती है, क्या होता है, प्रोटीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पे है, थनेला नमक रोग किसका होता है, किसमें होता है, बताइए। ऑप्शन किसका होता है, रक्त से होता है, ठीक है, स्तन का आभ्राग है, और ऑप्शन क्या क्या दिया गया नीचे जरा करें, जनन इंद्रियां दिया हुआ है, सेक्स ऑर्गेन, तीन ऑप्शन दिया गया, इस तीन में बताइए क्या होगा राइट आंसर। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, हाँ 1939 में ही हुआ है। ठीक है, करेक्ट आंसर है वो हमारा। चलिए ये भी करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, बताइए। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, ऑप्शन ए आगरा में, ऑप्शन बी गुजरात में, ऑप्शन सी बिहार में, ऑप्शन डी हिमाचल प्रदेश में। सबको पता होगा, काफी अच्छा क्वेश्चन है, अपना बिहार का क्वेश्चन है। आंसर इज, आंसर विल बी ऑप्शन सी, सोनपुर बिहार। ठीक है, सोनपुर बिहार जो है यहाँ पे भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। अगला चलते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों में गुलाबी रंग होता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आज रोहित कुमार ने इसका ये भी क्वेश्चन सेंड किया था, ये क्वेश्चन सेम। बताइए दलहनी फसल की जड़ों में जो है गुलाबी कलर होता है किस कारण, ऑप्शन ए नाइट्रोजन, ऑप्शन बी कैल्शियम, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी लेग हीमोग्लोबिन। बताइए दलहनी फसलों की जड़ों में ग्रंथियों में गुलाबी रंग होता है, आप लोग आगे जाइएगा एग्जाम वगैरह दीजिएगा, BSCAG कीजिएगा, तो प्रैक्टिकल कीजिएगा। ठीक है, जितने भी पल्स क्रॉप है उसका रूट रूट नोट ड्यूल्स लेकर के कैसे क्या होता है ये सब प्रैक्टिकल कराया जाता है सेमेस्टर में। ठीक है, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, वेरी गुड, यहाँ पे जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट आंसर होगा, लेग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट आंसर, ध्यान रहे नॉट ऑप्शन ए, ऑप्शन ए गलत है आपका। ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, क्लास 12 का क्वेश्चन है ये भी, आपके बुक की बात कर रहा हूँ तो। ठीक है, आपकी बुक की बात कर रहा हूँ, क्लास 12 का क्वेश्चन है, इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन छूटा हुआ है लेकिन मैं क्वेश्चन लिखूंगा क्योंकि क्वेश्चन इंपोर्टेंट है। बताइए काली मिट्टी जो है किसके लिए सुटेबल होता है, ब्लैक सॉइल किस क्रॉप के लिए, काली मिट्टी यानी ब्लैक सॉइल जो है सुटेबल फॉर विच क्रॉप, ऑप्शन ए व्हीट, ऑप्शन बी कॉटन, ऑप्शन सी ग्राम, ऑप्शन डी पटसन। अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट आप लोग, काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल है किसके लिए सुटेबल होता है, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, कपास के लिए, कॉटन के लिए। अगर बात करते हैं हम लोग स्टेट की तो आपका राजस्थान जो है वहां पे जो इसकी खेती अच्छी खासी होती है। आगे चलते हैं हम लोग, अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 26, चने में प्रोटीन कितना होता है, चना आपका पल्स क्रॉप है, हमने कल के क्लास में बताया था कि पल्स क्रॉप में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है, तो बताइए आंसर आप लोग आज, चने में प्रोटीन कितना परसेंट होता है, परसेंटेज ऑफ प्रोटीन इन चिकपी, चिकपी किसको बोलते हैं, चना को बोलते हैं, कल के क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, जो लोग नहीं देखे जाके देख लीजिए।
ठीक है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 21 to 24%, ठीक है, 21 से 24% के बीच में होता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, अगला है राष्ट्रीय सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ये भी आपको कल के क्लास में बताए थे, कल का जो लेक्चर था उसमें मैंने आपको कवर किया था। सर वीडियो, सर लाइव वीडियो कब लगती है एग्रीकल्चर, 8:15 से 20 मिनट पे, 8:15 आपका टाइम है पीएम, शाम में लेटेस्ट 8:20 तक में ये शुरू हो जाता है, क्योंकि 8:15 से पहले एक दूसरा क्लास रहता है, उस क्लास में बिजी रहते हैं, उस क्लास कंप्लीट करके फिर आप लोग के बैच में यूट्यूब पे आते हैं। चलिए बताइए सोयाबीन अनुसंधान केंद्र कहाँ है, कल के क्लास में मैंने आपको बताया था, जिसे हम लोग सोया प्रदेश के नाम से भी जानते हैं, किसको, ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पंतनगर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली। ऑप्शन ए इंदौर, ऑप्शन बी पंतनगर, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी ग्वालियर। हालांकि चेंज है ऑप्शन, कोई बात नहीं, जो भी है, इंदौर मध्य प्रदेश, वेरी गुड, क्या होगा, इंदौर, जो कि एमपी में पड़ता है ना, वेरी गुड, ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, पांच पांच ऑप्शन हो गया क्या, 1 2 3 4, चार ही ऑप्शन हुआ ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है परसेंटेज ऑफ जिंक इन जिंक सल्फेट, बताइए जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में जस्ते की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, ये भी सॉइल साइंस का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए, ये भी सॉइल साइंस का क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है आप सभी के लिए, बताइए आंसर क्या होगा इसका। ऑप्शन ए की बात करते हैं 25, ऑप्शन बी 30, ऑप्शन सी 33, ऑप्शन डी 35, करेक्ट आंसर क्या होगा आपको ये बताना है। 25 बता रहा है, नहीं भैया 25 तो होगा ही नहीं, गलत, और बताइए। हाँ निहाल कुमार सही बताया है, अंशु कुमार सही बताया है, और अभिषेक कुमार सही बताया है, वेरी गुड, और सही है, वेरी गुड, अभिषेक, निहाल, ठीक है, कुमार, प्रभास, ये सब सही आंसर दिया है, ऑप्शन जो है सी इज करेक्ट आंसर, 33%, ठीक है, ध्यान रखिएगा 33% यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आगे चलते हैं, अगला है धान उगाने की विधि में डेपोक के लिए पौधा तैयार होता है, बताइए धान उगाने की मेथड पढ़ी होइएगा, डेपोक विधि, जब आप पढ़े होइएगा कल्टीवेशन ऑफ पैडी निधान, तो वहां आपको बताया होगा कि धान को उगाने का एक नया विधि है डेपोक विधि, जिसमें क्या बहुत कम दिन में क्या होता है कि नर्सरी तैयार हो जाता है, बताइए कौन सा है आंसर, हुआ ऑप्शन ए 20 दिन में, ऑप्शन बी 18 दिन में, ऑप्शन सी 19 दिन में, ऑप्शन डी 14 दिन में, आंसर क्या होगा ये बताइए। ग्यारह से 12 दिन बता रही अमृता कुमारी, बिल्कुल सही आंसर दे रही है, लेकिन यह ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, धान की डेपोक विधि में क्या होता है कि नर्सरी जो हमारा तैयार होता है वो 14 दिन में जो है मैक्सिमम तैयार हो जाता है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, बहुत सुंदर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला है गोबर की खाद में P2O3 की प्रतिशत मात्रा क्या होती है, बताइए FYM जिसको हम लोग गोबर की खाद कहते हैं, फार्म यार्ड मैन्योर कहते हैं, पूरा नाम इसका होता है, अगर पूछ देगा FYM का फुल फॉर्म क्या था तो बताइएगा। अच्छा एक क्वेश्चन याद आ गया, आपके BCC के एग्जाम में एक दो क्वेश्चन आता है, जैसे कि INM का फुल फॉर्म क्या होता है, INM बताइए, कोई जानते हैं, IFS का फुल फॉर्म क्या होता है, उसके बाद बता दे रहे हैं, सुन लीजिए, कुछ लिखना तो लिख लीजिएगा, दो तीन क्वेश्चन याद आ गया, INM, IFS और एक होता है IPM, IPM वाला पूछा भी हुआ है आपके BCC में, ये तीन फुल फॉर्म जो है एक बार देख लीजिएगा, आपके लिए इंपोर्टेंट हो सकते हैं। इसका आंसर आप लोग सही दे रहे हैं, 0.25% इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। बाकी बताइए फुल फॉर्म क्या हुआ, INM का फुल फॉर्म जल्दी बताइए, इंटीग्रेटेड, याद आया, इंडियन फूड सेफ्टी, अरे भैया ऑप्शन सुन तो लीजिए, हो गया इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, ठीक है, आपके क्लास 12-11 की बुक की बात करते हैं, 11 बुक के अकॉर्डिंग जो दिया गया है वहां पे पढ़िएगा आप लोग। INM का होता है इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, एन मतलब न्यूट्रिएंट, IPM पूछेगा तो इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट, ध्यान रखिएगा, एन मतलब क्या हो गया न्यूट्रिएंट, पी मतलब क्या हो गया पेस्ट, और IFS मतलब क्या हो गया इंटीग्रेटेड फार्मिंग, एफ मतलब क्या हो गया फार्मिंग, फार्मिंग सिस्टम, तीन चार दिया है फुल फॉर्म, देख लीजिएगा, बिहार कंबाइन में पूछे जाते हैं क्वेश्चन इस टाइप से, ठीक है।
इस 4-5 को जो है देख लीजिएगा, बिहार का मैथ का फेमस क्वेश्चन है ये, पहले बता दे रहा हूँ, छूट जाएगा दिक्कत है, क्लास 11 की बुक में अच्छे से दिया हुआ है, वहाँ पे कोई लोग पढ़ा होगा तो जानता होगा। आगे चलते हैं, अगला है रिहांद बांध वगैरह छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश। ये बताइए सेंट्रल गॉट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी, केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है, इसका आंसर दीजिए। हाँ फटाफट आंसर आप लोग दे दीजिए, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। आप लोग से रिक्वेस्ट है, आप लोगों ने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं। सर क्वालिटी डाउन हो गया, वीडियो क्वालिटी कैसे बढ़ेगा भैया, स्क्रीन पर टैप कीजिए, ऊपर सेटिंग का ऑप्शन दिखेगा वहाँ क्लिक कीजिए, क्वालिटी वाले ऑप्शन पर जाइए और उसको आप लोग कर लीजिए 240 या 360 कर लीजिए, आपको क्वालिटी जो है बेस्ट दिखाई देगा। आप लोग नेट बचाने कंजूसी कर रहे हैं अभी के टाइम में। मथुराज का करेक्ट आंसर, वेरी गुड, मथुराज क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए पहले, सबसे पहले काफी कम लाइक है अभी तक, मात्र 22-25 लाइक अभी तक किए हैं आप लोग, 50-60 बच्चा क्लास कर रहा है अभी, जल्दी से लाइक कर दीजिएगा क्लास पे एक बार आप लोग। अगला है मुर्गी के अंडे का औसत भार कितने ग्राम होता है, एवरेज वेट ऑफ वन एग ऑफ हैन इज ग्राम इज कितना, कितना ग्राम, 30 से 40 ग्राम, ऑप्शन बी 50 से 60 ग्राम, ऑप्शन सी 65 से 75 ग्राम, ऑप्शन डी 3.5 ग्राम। सही है मथुरा यूपी इज करेक्ट आंसर। आप लोग लाइक कर दीजिए वीडियो को यार, आप इतना एक लाइक तो कर सकते हैं ना आप लोग, आप सभी लोग वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और जो लोग नए हैं चलो सब्सक्राइब कर लीजिए, यहाँ पे आपको एग्रीकल्चर का डेली 8:15 में क्लास मिलती रहती है। चलिए कुछ इंक्रीज हुआ है लाइक, 36 लाइक अभी तक हो चुके हैं, और बढ़ाइए इसको, आंसर दीजिए क्या होगा फटाफट। 50 से 60 ग्राम इज करेक्ट आंसर, ये जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आप सबका आंसर बहुत अच्छा आया यहाँ पे, सही आंसर दे रहे हैं आप लोग। अगला है बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्लास 12 बुक का, याद कीजिए बीसीसी के लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। बरसीम के हरे चारे में पशुओं के लिए पाचन योग्य प्रोटीन कितना परसेंट होता है, और बरसीम आप लोग को पढ़ना है क्लास 12 में, आप लोग को पता होगा कल्टीवेशन ऑफ बरसीम चैप्टर नंबर 2, ठीक है, जिसे हम लोग किंग ऑफ फूडर क्रॉप कहते हैं, चारा फसल का राजा कहते हैं इसे हम लोग, ठीक है, राजा कहते हैं किसका, चारा फसल का, चारा का राजा कौन, बरसीम, ध्यान रखिएगा। आंसर क्या होगा बताइए 34 नंबर का, एमडी कहाँ से हो, एमडी सेराउद्दीन जो है सिवान डिस्ट्रिक्ट से है, काफी पुराना स्टूडेंट है हमारा, 2020-21 का स्टूडेंट है ये हमारा, आंसर दीजिए फटाफट, ऑप्शन हाँ ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे 2.5 ये करेक्ट आंसर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला है आपका प्लीहा से संबंध है, बायोलॉजी का क्वेश्चन है, बताइए किससे है, प्लीहा में संबंध किससे है, ऑप्शन ए पाचन तंत्र से, ऑप्शन बी उत्सर्जन तंत्र से, ऑप्शन सी श्वसन तंत्र से, ऑप्शन डी रुधिर से, बताइए, बायोलॉजी का क्वेश्चन है आप लोग जानते होइएगा। रानी कौन सा है, रानी लूसर्न है, राजा की बात करते हैं बरसीम है, और रानी की बात करते हैं रिज़का कहते हैं हिंदी में हम लोग, रिज़का, ये रानी है, क्या है ये रानी है किसका, चारा का रानी रिज़का, जिसे हम लोग लूसर्न भी कहते हैं इंग्लिश में, और राजा कौन है बरसीम है, ध्यान रखिएगा, हमने बता चुका है लास्ट में क्लास में कई बार यूट्यूब पे भी, आंसर दीजिए इसका क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, डी ही होगा ना, हाँ नहीं 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 डी नहीं होगा, हाँ डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है आप लोग का, क्या होगा, डी इज करेक्ट आंसर, खरगोश का दांत वगैरह नहीं पूछेगा आपसे, ठीक है छोड़ दीजिए। अगला है पैडी फ्लावर है, धान का जो फ्लावर होता है, धान के फूल को क्या कहते हैं, कितने फूल होते हैं, सॉरी 3 पुंकेसर, 4 पुंकेसर, और क्या है ऑप्शन में 6 पुंकेसर, एक ऑप्शन छूट गया लगता है यहाँ पे, क्या बताइए, 3, 4, 5 या 6, ऑप्शन सुनिए, 3 होगा कि 4 होगा कि 5 होगा कि 6 होगा, बताइए क्या करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, 6 पुंकेसर होता है उसमें, आप लोग जानते होइएगा, वेरी गुड, सही आंसर आप लोग का।
ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेरी बेरी सबको पता है भैया, कौन सी विटामिन की कमी से होता है बेरी बेरी? कौन सी जो है विटामिन की कमी से है बेरी बेरी होता है? ऑप्शन की बात करते हैं तो ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी जो है डी दिया है, फिर बी दिया है, फिर सी दिया है, बताइए, सबको पता होगा। चलिए सबको पता है विटामिन। अरे भैया इतना सिंपल क्वेश्चन में भी मिस्टेक करोगे तुम लोग? हैं रुको यार, एक सेकंड वेट कीजिए, कहाँ गया रे यार ये नोट्स। देखिए क्या दिया गया है, विटामिन ए बी सी सब दिया हुआ है, देखिए लेना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पढ़ लीजिए, गधा सब आप लोग पढ़ते नहीं हैं। क्या दिया देखिए यहाँ पे, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, क्लास 12 का नोट्स पढ़ा रहे थे, याद आके दिखा दिया आप लोग को। देखिए विटामिन क्या था, बेरी बेरी पूछा था ना, तो बैरी बैरी कहाँ दिया गया भैया, देखिए बैरी बैरी यहाँ लिखा हुआ है, एक सेकेंड दूसरा कलर से लिखते हैं, दिखाई आप लोग को नहीं दे रहा होगा, इतना सिंपल क्वेश्चन आप लोग मिस्टेक कर रहे हैं, बताइए कैसे काम चलेगा इसे में। देखिए विटामिन बी बैरी बैरी यहाँ दिख रहा है लिखा हुआ, किस में, विटामिन बी में दिया गया है, तो करेक्ट आंसर विटामिन बी होगा ना, ले लो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, आप लोग पढ़ते रहिएगा आराम से, इतना सिंपल क्वेश्चन यार आप लोग गलत कर रहे हैं, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला है हमारा, मनुष्य के शरीर में प्रतिशत मात्रा है वाटर की, भैया पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा हुआ है, परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन बॉडीज, मनुष्य के शरीर में पानी की प्रतिशत मात्रा कितनी है वाटर की, बताइए आंसर, अब बताइए आंसर। चलिए आंसर दीजिए आप लोग, कितना परसेंट होता है, 35%, 75%, 55% या 65%? 35, 45, 55, 65 ऑप्शन ऐसे है, तो 65 इज करेक्ट आंसर, यहाँ पे जो है 65 जो है करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, 65 इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है यहाँ पे, एटीपी के अणुओं में आणविक आणविक ग्लूकोज रिलीज कितना होता है, एटीपी वगैरह पूछा गया क्वेश्चन ना, छोड़िए आगे बढ़िए। एचवाईपी प्रोग्राम जो है भारत में कब लागू हुआ था, अच्छा क्वेश्चन है, इसका पूरा नाम होता है हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम, ठीक है, एचवाईवीपी प्रोग्राम पूछता है, एचवाईपी या फिर एचवाईवीपी रहता है यहीं पे, हाई यील्डिंग वैरायटी प्रोग्राम कहते हैं, ये जो है भारत में कब स्टार्ट हुआ था, ऑप्शन ए की बात करते हैं 1964-65, ऑप्शन बी की बात करते हैं 1966-67, ऑप्शन सी की बात करते हैं 1968-69, और ऑप्शन डी की बात करते हैं 1970-71। क्या होगा करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी बता रहे नहीं, करेक्ट आंसर क्या होगा, 1964-65 होगा या 66-67 होगा, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी? इंग्लिश दिखाइए ना, इंग्लिश दिख रहा होगा भैया, क्वेश्चन इंग्लिश में नहीं दिख रहा है, देखिए क्वेश्चन आपको इंग्लिश में भी तो दिख रहा है ना, मैंने दोनों मीडियम में दिखा के रखा है ताकि किसी को दिक्कत ना हो, हिंदी एक बार दिख रहा है, सिर्फ हिंदी दिख रहा है, ओके कोई बात नहीं, इंग्लिश भी देख लीजिए आप। एचवाईवीपी प्रोग्राम मेरे ख्याल से 1964-65 में हुआ था, ठीक है, इसको एक बार आप लोग देख लीजिएगा, पेंडिंग रखते क्योंकि आप लोग दूसरा बता रहे हैं, मेरे ख्याल से इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर, 1964-65 में हुआ था, लेकिन आप लोग 66-67 बता रहे हैं, तो कोई बात नहीं, इसको देख लिया जाएगा, हो सकता है मैं भी कंफ्यूज हो सकता हूँ, बहुत पहले पढ़े थे क्वेश्चन को, ठीक है। सर डू यू नो मी, यस सचिन आपको जान रहा हूँ मैं, डोंट वरी। अगला है, हेडक्वार्टर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज, खाद एवं कृषि संगठन, इसको हम लोग FAO कहते हैं, ये इसका मुख्यालय कहाँ है, ऑप्शन ए रीड रोम इटली में है, ऑप्शन बी न्यू दिल्ली में है, ऑप्शन सी यूएसए में है, एंड ऑप्शन डी रसिया में है, बताइए क्या होगा करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन ए जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ठीक है, ऑप्शन ए जो है यहाँ पे
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्या है रोम इटली है ना, वो हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा जो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है वो है, भारत में सर्वप्रथम दूरदर्शन का पहला केंद्र स्थापित हुआ था। नहीं पूछेगा, एक्सटेंशन का क्वेश्चन है, लेकिन चलिए छोड़िए आगे बढ़िए, आइए पपीता वाला क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, इस पे आ जाइए। एनआरसी ऑफ ग्राउंड नट कहाँ है सर? एनआरसी ग्राउंड नट का आपका जूनागढ़ में है। ये जो है आईसीआर वगैरह में पहले क्वेश्चन पूछता था एनआरसी वगैरह, लेकिन अब नहीं पूछता है, बहुत पुराना क्वेश्चन हो गया। खैर कोई बात नहीं सर, टेस्ट में था ये क्वेश्चन। अच्छा हाँ, होगा टेस्ट में, टेस्ट में हम डाले होंगे मे भी शायद। बताइए क्या होगा, सामान्यतः पपीते का पेड़ कितने दिनों बाद फल देता है? कल भी क्वेश्चन बताए थे आपको ये वाला। जनरली पपाया प्लांट बियर फ्रूट आफ्टर कितने, 6 महीने बाद, 12 महीने बाद, 18 महीने बाद, या 24 महीने के बाद? तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, 12 महीने के बाद। ठीक है, 12 मंथ। हाँ जूनागढ़ सही बता रहे हैं आप लोग, धर्मेंद्र कुमार मुजफ्फरपुर, सही आंसर है आपका। आगे बढ़ते हैं, अगला है डवार्फ मैंगो प्लांट इज वेराइटी, इज ऑफ वेराइटी किसका है? आम का पेड़ जो छोटे कद का होता है, बताइए। ऑप्शन ए मल्लिका, ऑप्शन बी दतहरी, ऑप्शन सी आम्रपाली, ऑप्शन डी लंगरा। इसमें से कौन सा ऐसा आम है जिसका जो है जो छोटे छोटा होता है, सबको पता होगा। देख रहे हैं प्रिंस कुमार हमको इंस्ट्रक्शन दे रहा है सर, क्लास खत्म होने के बाद कॉल कीजिएगा सर। बिल्कुल बताइए, सबको पता होगा, अपने आसपास में घर में आप लोग प्लांट भी लगाते हैं, जनरली बिहार में तो लगाते ही लगाते हैं, हर कोई लगाता है। क्या होगा, आम्रपाली इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी ना, ऑप्शन सी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, मल्लिका नहीं होगा अभिषेक, ऑप्शन सी आम्रपाली होगा। ठीक है, आम्रपाली जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ध्यान रखिएगा, मल्लिका नहीं होगा। मल्लिका भी क्या है, आम का वेराइटी, जितना आपको दिख रहा है लंगरा मल्लिका ये सब आम का वेराइटी है। और चौसा जो आम आपका होता है, अभी आप लोग खाते भी होइएगा, ये सबसे मीठा आम होता है। पूछेगा आपसे बताइए सबसे मीठा आम कौन सा होता है, तो चौसा होता है। आम के बारे में पूछेगा, आम में कौन सा ग्राफ्टिंग होता है, तो आम में विनियर ग्राफ्टिंग होता है। ठीक है, आम में विनियर ग्राफ्टिंग होता है। आम में कौन सा विटामिन होता है, आम में विटामिन ए होता है। ये सब चीज आप लोग जो है ध्यान रखिएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आम से जो है बनते रहते हैं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन जो है आम में, आम से जो है बनते रहते हैं, तो आम वाला जो है पोर्शन को एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है, किस सब्जी में प्रोटीन जो है सबसे अधिक पाई जाती है? बड़ा कन्फ्यूजन क्वेश्चन है, लेकिन आंसर आप लोग दीजिए, जरा देखते हैं क्या दे रहे हैं। ऑप्शन ए भिंडी, ऑप्शन बी टमाटर, ऑप्शन सी फूल गोभी, ऑप्शन डी मटर। बताइए, भिंडी का जो सॉरी प्रोटीन जो है सबसे अधिक किसमें होता है? ऑप्शन ए भिंडी में, ऑप्शन बी टमाटर में, ऑप्शन सी फूल गोभी में, ऑप्शन डी मटर में। तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, यानी कि पी मटर में जो है, कंफर्म है ना आप लोग? चलिए ऑप्शन डी हो सकता है, मे बी ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, पी मटर है, मटर यहाँ पे करेक्ट होगा। ठीक है, अगला है यहाँ पे, आलू की खेती के लिए आवश्यक तत्व है, बताइए। कैल्शियम, सल्फर, जिंक, तीन ही दिया है, एक फिर छूट गया, कोई बात नहीं मैं बता दे रहा हूँ, जो जिसका आंसर होगा पोटेशियम। ठीक है, सुन लीजिए आंसर, पोटेशियम यहाँ पे नहीं दिया गया है, पोटेशियम इज करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला है दलहनी फसलों, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग को पढ़ा चुके हैं कई बार क्लास में। दलहनी फसलें किस कुल के अंतर्गत आती है? ऑप्शन ए कुकुरबिटेसी, ऑप्शन बी क्रूसीफेरी, ऑप्शन सी अम्बेलीफेरी, ऑप्शन डी पेप्यूलेसी। बताइए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन का ऑप्शन को थोड़ा टर्न कर दिया है, वो क्या किया है, घुमा दिया है। ठीक है, क्वेश्चन का जो आंसर है ना, इसको बस थोड़ा वो घुमा दिया है, बाकी क्वेश्चन अच्छा है आपका, कि दलहनी फसल जो है किसके अंतर्गत आती है। इसका जो आंसर होगा, सबको पता है लेग्यूमिनेसी, वेरी गुड, लेग्यूमिनेसी इज करेक्ट आंसर, बट लेग्यूमिनेसी ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ नहीं है, लेग्यूमिनेसी का ही दूसरा नाम होता है पेप्यूलेसी, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। कोई बच्चा लिख रहा है ऑप्शन बी, भैया कुकुरबिटेसी जो है जितना लतरने वाला सब्जी होता है ना, वो सब होता है कुकुरबिटेसी में, खीरा वगैरह, खीरा ककड़ी, ठीक है, ये सब किसमें आएगा, लतरने वाला, क्लाइम पर चढ़ने वाला, वो सब किसमें होता है, कुकुरबिटेसी में होता है, ध्यान रखिएगा। क्रूसीफेरी किसका, रेडिस वगैरह भी आता है, क्रूसीफेरी में आता है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, अगला है भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है, बताइए। ये भी आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट का ही है, क्लास 11 का।
बताइए इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पल्स रिसर्च इज सिचुएटेड एट वेयर? ऑप्शन ए कानपुर, ऑप्शन बी लखनऊ, ऑप्शन सी न्यू दिल्ली, ऑप्शन डी वाराणसी। बताइए दलहनी अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये भैया कानपुर में स्थित है। कहाँ है? कानपुर में है, ध्यान रखिएगा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। बात करते हैं तो बनारस में क्या है? सब्जी अनुसंधान केंद्र। कहाँ है? वेजिटेबल अनुसंधान केंद्र पूछेगा, सब्जी अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तब बनारस में। ये भी ध्यान रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन आपके लिए है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाय में दांत कितना होता है बताइए? लास्ट क्वेश्चन, क्या बात है, लास्ट क्वेश्चन पे हम लोग पहुंच चुके हैं। ठीक है, सेट वन जो है हम लोग कंप्लीट कर लिए आज, मजा आ गया। 50 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट, अब हम लोग सेट टू पे आएंगे फटाफट। ठीक है, बताइए गाय में जो है दांत की संख्या, कितना दांत होता है गाय में? सबको पता है भैया गाय में जो दांत होता है ना वो 8 होता है, 4 ऊपर 4 नीचे। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। तो दोस्तों ये आपका जो है टेस्ट वन का पेपर था, जो अपने ऐप पे टेस्ट वन जो दिया था फ्री टेस्ट में आकर के। हम बता दो फिर से, जो बच्चे टेस्ट नहीं दिए हैं जाके ऐप पे दे सकते हैं। ये फ्री टेस्ट आपके लिए कुछ ये दिए गए थे आप लोग को, आप इस टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हैं बिल्कुल फ्री, आपके लिए इसके लिए कोई चार्ज नहीं देना पड़ेगा। इसमें आपको लगभग 250 क्वेश्चन मिलेंगे फ्री में। ठीक है, जिसमें से टेस्ट वन में जो क्वेश्चन थे उन्होंने हम लोग यहाँ पे कर चुके हैं टेस्ट वन। दूसरी बात है यहाँ पे अगर आते हैं टेस्ट टू की बात करते हैं, तो टेस्ट टू में भी आपका 50 क्वेश्चन है। अब हम लोग टेस्ट टू का सोल्यूशन देखेंगे, टेस्ट टू का सोल्यूशन यहाँ पे क्या होने वाला है। ठीक है, चलिए ये हमारा टेस्ट टू का क्वेश्चन आ गया, स्टार्ट करें। एक बार थम्स अप दिखा दीजिएगा आप लोग। सर टेस्ट एक बार ही दे सकते हैं? उस टेस्ट को एक और टेस्ट देना है आप लोग को, वो टेस्ट आप लोग को और प्रैक्टिस करना है क्या? ये जो ऐप जो ऐप वेबसाइट पे जो टेस्ट हुई थी, ठीक है, आप लोग जाइएगा, लिखिएगा गूगल पे kirzieducation.com। क्या लिखना है? kirzieducation.com और सर्च कीजिएगा, आपके सामने इस तरह इंटरफेस ओपन होगा और ऊपर में दिख रहा है ना वेबसाइट kirzieducation.com, इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक कीजिएगा, आपके सामने इस तरह का इंटरफेस आएगा, आपको आना है फ्री टेस्ट एग्रीकल्चर पे, इस पर आके क्लिक कीजिएगा। क्या आप लोग को और वो टेस्ट देना है, प्रैक्टिस करना है और भी क्या उस टेस्ट का? मैं देखूंगा, अगर ओपन होने का मेरे पास सिस्टम रहेगा 2-3 अटेम्प्ट करने का, तो मैं ऑप्शन ओपन कर दूंगा और कल की क्लास में मैं आपको इसके बारे में बता दूंगा। कल पूछ लीजिएगा हमसे, ठीक है, कल आप लोग हमसे पूछ लीजिएगा। अगर अटेम्प्ट बढ़ाने का मेरे पास ऑप्शन होगा तो मैं आपको अटेम्प्ट जो है बढ़ा दूंगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस जो है इसको फिर से कर सकते हैं। ऐसे एक चीज देखिए, जितने क्वेश्चन है उसको मैं फिर दोबारा करा रहा हूँ यूट्यूब पे, प्रैक्टिस तो आपका हो जा रहा है ना मोटा मोटी। खैर जैसा कहिएगा कर देंगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपत्ति नहीं है इसे मुझे। एक बार फिर से चलिए, ठीक है, मिल जाएगा फिर से एक बार। चलिए आंसर दीजिए एक बार फटाफट, इस बात पे लाइक कर दीजिए एक बार। चलिए अब लाइक कीजिए तो पानी वगैरह पी ले हम भी, फिर आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, एक बच्चा लिखा है प्रिंस रंजन, नंबर और ईमेल बदल लो। बिल्कुल, अगर नंबर और ईमेल चेंज कर लीजिएगा आप एटीएम कर सकते हैं, लेकिन क्यों उतना क्यों मेहनत कीजिएगा? जब मैं एग्री हूँ इस चीज़ से, जब मैं आपको दे रहा हूँ फ्री टेस्ट, फ्री में दे रहा हूँ, मतलब एटीएम का ऑप्शन भी दे रहा हूँ, फिर परेशान क्यों हो रहे हैं आप लोग? हाँ बताइए, चलिए चलते हैं क्वेश्चन की ओर हम लोग। ठीक है, चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया है। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, सही बता रहे हैं, नाइट्रेट यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, नाइट्रोजन जो है आपका किस रूप में पौधे लेते हैं, वही था ना? हाँ, तो ऑप्शन सी नाइट्रेट के रूप में लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला है हमारा, सनफ्लावर बिलोंग टू विच फैमिली? सनफ्लावर मतलब सूरजमुखी जो है आपका वो किस फैमिली से बिलोंग करता है? बताइए सनफ्लावर का जो है फैमिली क्या होता है? सूरजमुखी किस परिवार से बिलोंग करती है? ऑप्शन ए कंपोजिटी, ऑप्शन बी सोलेनेसी, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी। तीन ही ऑप्शन दिख रहा है, तीन ही रखिए, बताइए तीन में क्या होगा? आंसर इसी में छुपा हुआ है।
बहुत सुंदर आंसर दिए आप सभी लोग, कंपोजिट इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए, ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पे सही आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मालवेसी ऑप्शन में दिया हुआ था, मालवेसी जो होता है कपास और भिंडी का होता है, ध्यान रखिएगा, कपास और भिंडी वगैरह का क्या होता है, मालवेसी फैमिली होता है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं, पूछा गया है बोटनिकल नेम ऑफ इंडियन कॉटन, इंडियन कॉटन का बोटनिकल नेम क्या होता है। आप कपास इंडियन कॉटन पढ़िएगा तो क्लासिफिकेशन इसमें भी किया गया है। सर आप मेरा मैसेज इग्नोर कर रहे हैं आप पर भी और यहाँ भी, बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं भैया, आप बताइए तो सही क्या कह रहे हैं आप, बताइए इंडियन जो कॉटन है इसका बोटनिकल नेम क्या होता है। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जो लोग ऑप्शन बी बता रहे हैं उन सभी का यहाँ पे सही आंसर होगा, ठीक है, ऑप्शन ए सॉरी ऑप्शन बी गॉसियम आर्बोरियम जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला है देखिए, कल ही बताए थे आपको बिहार कंबाइंड का जो क्लास क्वेश्चन करवा रहे थे उसी में पूछा गया है 2020 में ये क्वेश्चन। अरे भैया मूंगफली का जो है घातक रोग कौन सा होता है, मूंगफली में कौन सा डिजीज लगता है बताइए, मूंगफली में जो है कौन सा डिजीज लगता है, कौन सा रोग लगता है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी। मेरे में टेस्ट स्टार्ट नहीं हो रहा है, ठीक है महेश्वर कुमार आप कॉल कर लीजिएगा ना, मैं देख लूंगा क्या प्रॉब्लम आ रही है, मैं तो बता तो दिया हूँ, बिल्कुल डरना नहीं है आपको, ठीक है रवि पटेल डरिए मत, कोई दिक्कत नहीं है, मैं आ रहा हूँ कल आपके बैच में, मैं आ रहा हूँ क्लास लेने, ठीक है कल मैं आपके बैच में क्लास लूँगा, कल आपके बैच में बीसीसी वाले बैच में, कल मैं आपके बैच में आ रहा हूँ शाम के 6:30 बजे 6:30 में, तैयार रहिए आप लोग, कल 6:30 बजे शाम में आपके बैच में मैं आ रहा हूँ क्लास लेने, ठीक है। चलिए सारा डर दूर कर देंगे आपका हम। चलिए मूंगफली का घातक रोग कौन सा है, टिक्का डिजीज जानते हैं आप लोग, टिक्का रोग जो है मूंगफली का एक घातक रोग है, ठीक है। बाकी डंपिंग ऑफ वगैरह दिया गया, ये बैगन वगैरह में लगता है, चूर्णी आसिता पाउडरी मिल्डू वगैरह जानते हैं आप लोग, आम में इसके अलावा मसूर वगैरह में लगता है, तो इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। हाँ डंपिंग ऑफ पपाया में लगता है, कल ही हम क्लास में डिस्कस किए थे, हम लोग किए थे ना क्लास में डिस्कस कर ले हम लोग कि डंपिंग ऑफ जो है पपाया में लगने वाला एक डिजीज है। आगे बात करते हैं हम लोग, खैरा रोग किससे संबंधित है, काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, बहुत पुराना क्वेश्चन है, बताइए खैरा रोग जो होता है किसमें लगता है, खैरा डिजीज किसमें लगता है ये बताना है आपको। हाँ पपाया में लगता है डंपिंग ऑफ, ठीक है सही आंसर दे रहे हैं आप लोग, आंसर दीजिए खैरा डिजीज किसमें होता है। सर मैं ऐप पे टेस्ट देता हूँ, मेरा नाम लिस्ट में नहीं आता, क्या नाम है आपका एक बार नाम बता दीजिए, क्या नाम से ऐप पे आपका क्या आईडी है, ठीक है दिलीप कुमार। हाँ ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, धान में लगता है खैरा रोग, किसकी कमी से, जिंक की कमी से, जेड है ना, ठीक है जिंक की कमी से क्या होता है खैरा रोग होता है, कहाँ पे धान में होता है। आगे चलते हैं, आटा वाले गेहूं में गुणसूत्र पाए जाते हैं, काफी अच्छा क्वेश्चन है, जब व्हीट को आप लोग पढ़े होइएगा कल्टीवेशन ऑफ व्हीट तो वहाँ आपको बताया होगा व्हीट का बहुत सारा स्पीसीज वगैरह जो पढ़े होइएगा ना उस टाइम। बताइए आटा वाले गेहूं में गुणसूत्र कितना होता है, ऑप्शन अगर मैं आपको दिखाऊं तो ऑप्शन ए 22 32 42 या 62, ऑप्शन ए आपका जो है 22 है, ऑप्शन बी 32 है, ऑप्शन सी आपका 42 है, ऑप्शन डी आपका 62 है, क्या होगा करेक्ट आंसर आपको बताना है। बयालीस बता रहे हैं आप लोग, बहुत सुंदर आंसर दे रहे हैं, एकदम सही दे रहे हैं, 42 क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, यानी नॉर्मल 42 होता है ना गेहूं में जो गुणसूत्र होता है, नॉर्मल कितना होता है नॉर्मल 42 होता है, वही यहाँ पे क्लिक करना था आपका, ठीक है तो इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर हम लोग। अगला है, जब देखिए क्लास 12 का पोर्शन है ये, जब मुख्य फसल नष्ट हो जाती है तो उगाई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं, चैप्टर नंबर फर्स्ट क्लास 12 याद कीजिए, अगर कोई बच्चा क्लास 12 का देख रहा तो पता होगा आपको लिखवाए है ना, जब मेन क्रॉप हमारा क्या होता है वो फेल हो जाता है तो उसके बाद जो क्रॉप लगाते हैं उसको क्या कहते हैं हम लोग, अरे टाइम को यूटिलाइज करने के लिए, जो हमारा टाइम सीजन होता है उसको पूरा करने के लिए, बताइए। सत्यम कुमार नवादा, ओके सत्यम डोंट वरी, मैं आप चेक कर लूंगा क्यों नहीं आता है नाम आपका।
बताइए क्या कहते हैं उसको हम लोग, उसको हम लोग कहते हैं कैच क्रॉप। कैच मतलब होता है पकड़ने वाला क्रॉप, ठीक है। जब हमारा मेन क्रॉप कोई खराब हो जाता है तो फिर हम पूरा सीजन बैठे तो नहीं रहेंगे ना हम लोग। कोई भी सीजन, कोई भी क्रॉप का ड्यूरेशन जो होता है कितना होता है, लगभग 3 से 4 महीने का होता है। अब मैंने कोई क्रॉप लगा दिए, वो फर्स्ट महीने में खराब हो गया क्रॉप हमारा, तो अगला 2 या 3 महीना हम बैठे तो नहीं रहेंगे ना, उसमें कुछ क्रॉप लगाएंगे, जिसको हम लोग कहते हैं कैच क्रॉप, ठीक है। कैच मतलब होता है पकड़ने वाला क्रॉप, ठीक है, ध्यान रखिएगा इस तरह से आप लोग पढ़ाए हुए क्लास 12th में आप लोग को। अगला है सोयाबीन क्या है बताइए, फोटो पिरियोडिन के अलावा पे क्लासिफिकेशन आप लोग पढ़े हो या तो जानते होइएगा। सोयाबीन एक है क्या, लॉन्ग डे प्लांट है, लॉन्ग शॉर्ट डे प्लांट है, डे न्यूट्रल प्लांट है, या शॉर्ट डे प्लांट है, बताइए। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। सोयाबीन आपका क्या है सर, मैं बहुत बार ट्राई किया बट मेरा टेस्ट स्टार्ट ही नहीं हुआ, ऐसा क्यों? महेश्वर कुमार, वही तो मुझे नहीं पता ना ऐसा क्यों हुआ है, आप कुछ गलती कर रहे होंगे, ठीक है। आप हमें कॉल कीजिएगा क्लास के बाद, मैं सोल्यूशन बताऊंगा आपको, परेशान होने की आवश्यकता आपकी नहीं है। पहले मुझे पता तो चले बीमारी क्या है, उसमें क्यों नहीं हो रहा ये चीजें, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर यहाँ पे होगा, ये जो है आपका डे न्यूट्रल प्लांट होगा, जिस पर दिन का कोई प्रभाव नहीं होता है, ठीक है। सोयाबीन क्या है आपका, एक डे न्यूट्रल प्लांट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। आप लोग शॉर्ट डे बता रहे हैं, रुको अभी शॉर्ट डे पढ़ाए थे, रुको रुको रुको, अभी जस्ट पढ़ाए क्लास में शॉर्ट डे लॉन्ग डे हॉर्टिकल्चर में, रुको देख लेते हैं एक बार। अभी हॉर्टिकल्चर में लोग को शॉर्ट डे लॉन्ग डे बताए थे, किधर गया यार, फ्लावर है लॉन्ग डे, मिल जाओ यार, किधर पढ़ा, अभी जस्ट लोग पढ़ाए थे ना शॉर्ट डे प्लांट। अच्छा एक चीज, एक काम कीजिए, सुनिए सुनिए सुनिए, 1 मिनट, एक लेक्चर है हमारा शॉर्ट डे प्लांट और डे लिटल प्लांट पे, आप लोग चेक कीजिएगा यूट्यूब पे ही, उसको देख लीजिएगा, उसमें पूरा कवर किया गया, ठीक है। लॉन्ग डे प्लांट, शॉर्ट डे प्लांट सब बताया गया है, उसको देख लीजिएगा, एग्जाम्पल याद कर लीजिएगा। बीसीसी फ्री क्लास के नाम से वो प्लेलिस्ट बना हुआ है, जब आप यूट्यूब पे आइएगा, देखिए YouTube पे आइएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है, वीडियो इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट पे आइएगा और प्लेलिस्ट में एक बना हुआ है बीसीसी एग्रीकल्चर फ्री क्लास, आपको शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। बीसीसी एग्रीकल्चर फ्री क्लास के नाम से लास्ट में यहाँ पे देखिए बना हुआ है ना ये फोल्डर, इसमें जो है ना लॉन्ग डे शॉर्ट डे का एक हमने वो दिया हुआ है, तो उसको एक बार देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें, बाकी बहुत सारा फ्री क्लास में दिया हुआ है, सिर्फ वही नहीं है, तो एक बार आपको देखने की आवश्यकता है, एक बार देखिए आपको हर एक चीज समझ में आ जाएगा, ठीक है। So when I came to you, ये देखिए यहाँ पे है ना, देखिए यहाँ पे बहुत सारा बना हुआ है, देखिए अगर मैं आपको दिखाऊं तो किस लेक्चर में क्या कंप्लीट किया गया है ये भी यहाँ पे दिया गया है, तो एक बार इसको देख लीजिएगा। देखिए यहाँ पहला लेक्चर में फादर ऑफ एग्रीकल्चर रिलेटेड बताया है, इंडियन इंपोर्टेंट आईसीआर इंस्टीट्यूट कौन कौन से थे वो बताया, जनरल एग्रीकल्चर बताया गया है, वाटर मेजर बताया गया है, यह रहा क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर, और है आपका फोटो पिरियोडिज्म के आधार पे। इस वाला लेक्चर को आपको एक बार देखना है, कौन सा लेक्चर, 24 मिनट का बस क्लास है, स्पीड मोड में देख लीजिएगा, आपको 10 मिनट में समझ में आ जाएगा सब कुछ, ठीक है। चलिए ओके, अब आते हैं हम लोग क्लास पे क्या पढ़ा रहे थे, ये अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कपास क्या है, कॉटन क्या है, परपरागित है, कभी कभी परपरागित, ऑप्टेन क्रॉस पोलिनेशन या स्वपरागित, एक और ऑप्शन देखना चाहिए, हाँ ऑप्टेन सेल्फ पोलिनेशन, बताइए कपास में क्या होता है, कॉटन में क्या होता है। सर आप टेलीग्राम पे सेंड कर दीजिए, टेलीग्राम पे सेंड कर दे आज, ठीक है हम कर देंगे आज, ठीक है। टेलीग्राम पे आपको मिल जाएगा, डोंट वरी, सो आप लोग वहां से देख लीजिएगा, परेशान ना होइए इस क्वेश्चन के लिए। चलिए आंसर बताइए फटाफट आप लोग, चलिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है, कभी कभी परपरागित, हाँ ऑप्शन बी इज राइट सर, बिल्कुल सही है।
अगला है, इनमें से कौन सी फोर पौधा है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन फॉर बीसीसी 2023। सी फोर प्लांट इसमें से कौन सा है, हमने आपको ट्रिक बता चुका है कैसे पहचानेगा सी फोर प्लांट कौन से होते हैं, बताइए फटाफट इसमें से सी फोर प्लांट कौन सा है। वेरी गुड, सुगर केन इज करेक्ट आंसर। जितने भी मोटे अनाज की फसल होती है वो सब किस में आते हैं, सी फोर प्लांट में आते हैं, आपको ट्रिक पता होना चाहिए। अगला है, सरसों का फल क्या कहलाता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हम बताए थे कल के क्लास में शायद, सरसों का जो फल होता है उसको क्या कहते हैं। सुगर केन इज राइट आंसर, वेरी गुड, सही है, मोटे अनाज वाली, सही है सही है सही है, सबका सही है। बताइए सरसों का फल क्या कहलाता है, तो सरसों का जो फल होता है वो सिलिकुआ कहलाता है, क्या कहलाता है, सिलिकुआ कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला है, जल प्लावित क्षेत्र में कौन सी गैस मुख्य रूप से पाई जाती है, वाटर लॉगिंग आर एरिया विच गैस इज फाउंड इन एवोडेंटली, मतलब कौन सा वहां पे मुख्यता पाया जाता है, ऑप्शन ए CO2, ऑप्शन बी CH4, ऑप्शन सी CO और ऑप्शन डी O2। बताइए जहां पे जलमग्न क्षेत्र में कौन सा गैस पाया जाता है, सबको पता होगा धान वगैरह खेत में कौन सा गैस निकलता है, CH4 मीथेन गैस, नहीं जानते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, सही आंसर दे रहे हैं, सही है आप लोग का, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, लोकाट फ्रूट है, एक लोकाट एक फ्रूट होता है, ये कौन सा है, ट्रॉपिकल फ्रूट है, सब ट्रॉपिकल फ्रूट है, एरिड फ्रूट है या टेम्परेट फ्रूट है, आइए इसको भी समझा देते हैं फटाफट, क्योंकि अभी लेक्चर चल रहा है उसमें तो बताने में इजली होगा, ठीक है। हाँ लोकार्ट जो फ्रूट है वो कौन सा है, ट्रॉपिकल सब ट्रॉपिकल ठीक है एरिड या कौन सा है, बताइए टेम्परेट, चार ऑप्शन दिया गया है, तो इसका जो बच्चों करेक्ट आंसर होगा, सही आंसर जो होगा वो आपका होगा ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, जिसको हम लोग कहते हैं सब ट्रॉपिकल, ठीक है। आइए देखते हैं सब ट्रॉपिकल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, वेट कीजिए एक सेकेंड मैं दिखा रहा हूँ, सब ट्रॉपिकल कहाँ गया, ट्रॉपिकल कल ही तो बताए थे, तो ये रहा, ले लो स्क्रीनशॉट लीजिए इसका फटाफट, आप लोग लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, यहाँ से क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रूट देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट होता है आप सभी के लिए, ठीक है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, पढ़ लीजिएगा दो चार दिन जो भी टाइम बचा हुआ है, क्या करें क्लास व्लास नहीं किए हैं तो कुछ तो पढ़ना है आपको भी। देखिए दो तीन बात ध्यान रखिएगा, जो हमारा ट्रॉपिकल फ्रूट होते हैं ठीक है, जो हमारा ट्रॉपिकल जोन होता है, यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ना वो कितना होता है 18 ठंडे मौसम में ठीक है, और ऑटम सीजन में जो टेम्परेचर होता है वो होता है 18-20 degrees Celsius ठीक है, और अदर सीजन की बात करते हैं तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होता है 30-40 degrees Celsius होता है। एग्जांपल की बात करते हैं यहाँ पे हम लोग, कौन कौन सा फ्रूट एग्जांपल होगा, मैंगो, ग्वावा, बनाना, पपाया, लेमन, जैक फ्रूट, स्पोटा, ये सब क्या है इसके एग्जाम्पल है। अगर हम लोग बच्चों बात करते हैं स्टेट की कि कौन कौन सा स्टेट यहाँ पे आएगा इस क्षेत्र में इस रीजन में, तो केरला, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, मध्य प्रदेश, ये सब क्या है आपके इस क्षेत्र के प्रदेश हैं ठीक है। अगला बात करते हैं सब ट्रॉपिकल फ्रूट की, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होता है ऑटम सीजन में वो होता है 8 से 10 degrees Celsius ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एग्जांपल ग्रेप्स, लीची, जामुन, ये सब इसके एग्जांपल हो गए। और स्टेट की बात करते हैं यहाँ पे, तो स्टेट आपका कौन सा होगा, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आसाम, त्रिपुरा, ये सब जो आपके एग्जाम्पल हो गए किसके, सब ट्रॉपिकल रीजन के। टेम्परेट की बात करते हैं तो टेम्परेट मतलब होता है ठंडा एरिया ठीक है। टेम्परेट की बात करते हैं तो टेम्परेट का होता है ये ठंडा एरिया, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा आप लोग कि ठंडा एरिया, जब भी ठंडे एरिया की बात करेगा ना तो आप सिंपल सा बात, एक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो पहाड़ी इलाका आपका है, हाँ एप्पल टेम्परेट फूड, वेरी गुड, सही है, जो पहाड़ी इलाके आपके हैं वो सब ठंडा एरिया में जाते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लेह लद्दाख, जो भी आपका ये सारे क्या है ठंडा एरिया आपका होता है ठीक है। एग्जाम्पल की बात करते हैं एप्पल, वालनट, मतलब क्या कहते हैं बादाम वगैरह जो होता है वो, आलमंड बादाम ठीक है, अखरोट होता है वालनट का मतलब, चेरी, पोटेटो, पीच, स्ट्रॉबेरी, ये सब क्या है आपके यहाँ पे सक्सेसफुली ग्रो कर सकते हैं इस एरिया में, इसको भी आप लोग यहाँ पे ध्यान रखिएगा। एरिड जोन की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो यहाँ पे टेम्परेचर कितना होता है 0 से 10 degrees के बीच होता है ठीक है। मेनली यहाँ पे क्या होता है कि वर्षा बहुत ही कम होता है, पूछा जाता है क्वेश्चन, बताइए
एरिड जोन में रेनफॉल कितना होता है, तो 200 से 300 mm होता है, इसको ध्यान रखिएगा। कुछ कुछ फ्रूट्स यहाँ पे दिए गए हैं, इसको आप लोग देख लीजिए। ये क्लासिफिकेशन आपका है फ्रूट से, जहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्लास 12 का नोट्स है, दिखा दिया आपको इसलिए क्योंकि क्वेश्चन वहां से आ गया था। ठीक है, बस 10 मिनट और वेट कर लीजिए, 10 मिनट क्लास और देनी है बस। ठीक है, लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम देगा। एक और चीज चलिए बता देते हैं आप लोग को, इंपोर्टेंट यहाँ पे पॉइंट है। एक बात बच्चों ध्यान रखिएगा, हमेशा जो भी आपके वेराइटी होते हैं सीडलेस वेराइटी, ठीक है, जो आपके सीडलेस वेराइटी होते हैं, जैसे आम का सिंधु, जानते हैं ना सिंधु एक वेराइटी है आम का, जो कि क्या है आपका एक बीज रहित किस्म है। तो बीज रहित किस्म जो बनता है इसमें क्या होता है, बिना फर्टिगेशन का होता है, बिना फर्टिलाइजेशन के बनता है। ये इंपॉर्टेंट टर्म है, ले लीजिए स्क्रीनशॉट, पढ़ते रहिएगा, मैं आपको इरेज कर लेता हूँ पहले। ले लीजिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। अगला आपका है यहाँ पे फालसा, ये अच्छा क्वेश्चन है। फालसा जो है किस फैमिली से बिलोंग करती है, फालसा जो आपका होता है वो किस फैमिली से बिलोंग करती है। ऑप्शन है रूटेसी, ऑप्शन बी मोरेसी, ऑप्शन सी लेग्यूमिनेसी, ऑप्शन डी टिलियेसी। अच्छा क्वेश्चन है ये भी। हाँ भैया, बनाना जो है सीडलेस से आपका, ठीक है, बनाना एंड एक और वाटरमेलन जो हम लोग तरबूज वगैरह बोलते हैं, वो भी आपका जो है सीडलेस होता है, तो डोंट वरी। आंसर दीजिए क्या था, फालसा। तो फालसा जो आपका बच्चों बिलोंग करती है वो टिलियेसी फैमिली से, ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, जो टिलियेसी दिख रहा था। ठीक है, हाँ ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाँ एरिड को मरुस्थलीय बोल सकते हैं, वेरी गुड, सही बताए हैं ऋषभ एक्स एडिट। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। लेग्यूमिनेसी मतलब दाल की फसलें, जितना पल्स क्रॉप होता है ना वो सब लेग्यूमिनेसी में आती है, याद रख सकते हैं। ठीक है, रूटेसी में नींबू वगैरह आता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ये सब छोड़ दीजिए, इंपोर्टेंट ये बहुत इंपोर्टेंट है। लीची में फल चटकन रोग किसके छिड़काव द्वारा कम किया जाता है, बताइए। फ्रूट क्रैकिंग, आप लोग कल बता रहे थे बिहार कंबाइन वाला जब क्वेश्चन करवा रहे थे यूट्यूब पे, आप लोग बता रहे थे सर बोरोन की कमी से होता है, बताए थे ना, बोरोन है ऑप्शन में कहीं पे, हाँ बोरोन ऑप्शन डी में दिया गया, तो ऑप्शन डी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन डी जो है करेक्ट आंसर होगा। अगला है आपका एरोमा ऑफ ओपडीडी बनाना इज ड्यू टू, अच्छा अति पके केले में सुगंध किस कारण आता है, जब केला जो है केला में सुगंध जो है अति पके केला जो होता है, ठीक है, उसमें एरोमा जो है किस कारण आता है। ऑप्शन कौन कॉल कर रहा है इतना, हेलो क्लास ले रहे हैं यूट्यूब पे, बाद में कॉल कीजिए। चलिए क्या कह रहे थे, हाँ इसका आंसर दीजिए, बनाना अगर आप लोग पढ़े होइएगा तो आपको पता होगा। सर इसमें कन्फ्यूजन है, फैमिली वाला क्वेश्चन है, प्लीज समझा दीजिए फिर से। चलिए आइए, फैमिली वाला क्वेश्चन आपको समझा रहा हूँ, फैमिली वाला क्वेश्चन समझ लीजिए। कहाँ गया फैमिली वाला क्वेश्चन भैया, कहाँ गया फैमिली का क्वेश्चन, क्वेश्चन छूट गया था क्या बीच में। देखिए रूटेसी में कौन सा आता है, रूटेसी में आपका जितना नींबू वर्ग है वो फ्रूटेसी में आता है, मोरेसी में शायद मुझे ध्यान में भी नहीं आ रहा है, लेग्यूमिनेसी की बात करते हैं, जितना दाल वाली जितना पल्स क्रॉप हो गया वो सारे क्या होते हैं आपके लेग्यूमिनेसी में आते हैं। मेरा ये हैंग कर रहा है बार बार, पता नहीं क्यों लिखने में नहीं हो रहा है, देखिए लिख रहे हैं पी तो पल्स, पल्स क्रॉप में क्या होता है लेग्यूमिनेसी, जितना भी आपका आएगा याद रख सकते हैं। और टिलियेसी में आता है आपका फालसा वगैरह आता है, उसको याद रख सकते हैं। अगला था हमारा हैन और चिकन रोग किसमें होता है, कल बताए थे बिहार का मैंने पूछा गया क्वेश्चन था, बताइए।
हैन और चिकन रोग किसमें होता है? ऑप्शन ए आम में, ऑप्शन बी एवोकाडो में, ऑप्शन सी अंगूर में, ऑप्शन डी लीची में। बीसीसी में पूछा गया क्वेश्चन है ये। हाँ, ग्रेमणी में अनाज वाली फसल होती है। वेरी गुड, सही है। बताइए यार, हम भी थक गए बोलते बोलते। हाँ, वेरी गुड। ग्रेप्स यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ग्रेप्स यहाँ पे जो है करेक्ट आंसर होगा आपका, अंगूर में होता है ये। अगला यहाँ पे था अति पके केले में, इसका आप लोग क्या आंसर दिए हैं? आइसोप्रोटोन दे रहे थे आप, आंसर पढ़ रहे थे आप लोग का। हम सही, हाँ सही दिए हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। आगे चलते हैं, अगला है पपीता का रंग किस कारण होता है? पिगमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, किसी किसी चीज का पिगमेंट पूछे जाता है हमेशा, इसको भी आप लोग जो है एक बार याद रखिएगा। पिगमेंट वाला क्वेश्चन, किस पिगमेंट का लाल रंग होता है? सेब में लाल रंग किसके कारण होता है? मिर्च में तीखापन काहे होता है? इसे पूछा जाता है। बताइए क्या पूछा है? पपीता में किस पपीता का रंग किस कारण होता है? बताइए, रहने दीजिए सर। हाँ, आप छोड़ देंगे, बस हो गया, दो तीन क्वेश्चन और कर लीजिए, बाकी छोड़ देंगे, फिर हम लोग कल के क्लास में देखेंगे, ठीक है? क्योंकि लगभग आज 75 क्वेश्चन प्लस उससे ज़्यादा ही करवा दिए हैं। सर एप्पल फालसा रोज तो रोजेसी फैमिली से आता है, कौन बता दिया आपको? चलिए आंसर दीजिए, क्या होगा करेक्ट आंसर? सही बता रहे थे रवि, डोंट वरी, ऐसे ही मजाक कर रहे थे। हाँ, कैरिका जेंथिन करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन क्या है बी ना, सही, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। बाकी कुछ और क्वेश्चन जैसे पूछेगा कि भैया सेब में लाल रंग काहे होता है? एंथोसाइनिन कारण होता है, ऑप्शन एंथोसाइनिन, हाँ है ये होता है सेब में रेड कलर, ठीक है। कैरोटीन क्या होता है? कैरोटीन आप लोग जानते होइएगा, कहाँ गाजर वगैरह में पाया जाता है ना कैरोटीन, वो है यहाँ पे। उसके बाद क्या है? क्लोरोफिल, पत्ती में, हरा पत्ती में क्लोरोफिल पाया जाता है, ठीक है, पत्ती वगैरह जो होता है लीफ में क्लोरोफिल होता है, ध्यान रखिएगा यहाँ से भी। अगला है, निम्नलिखित में से वसा का अच्छा सोर्स क्या है? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन ए बादाम, ऑप्शन बी आम, ऑप्शन सी काजू, ऑप्शन डी वाल्ट, मतलब अखरोट, जस्ट बताए थे क्लास में। बताइए वसा जो है सबसे अधिक किस में होता है? बताइए वसा जो है सबसे अधिक किस में होता है? वसा जो है सबसे अधिक किस में? काफी अच्छा क्वेश्चन है, बताइए फटाफट आप लोग बताइए। और आप लोग अभी तक लाइक नहीं किए, लाइक कर दीजिए यार वीडियो को, एक बार एक लाइक तो बनता है इतना देर तक पढ़ाने का। डरना नहीं रवि, थक जाते हैं ना, थोड़ा मजाक मस्ती आप लोग के साथ कर लेते हैं। हाँ, ऑप्शन जो है यहाँ पे डी इज करेक्ट आंसर, वालनट यानी कि अखरोट जो है यहाँ पे बच्चों सही आंसर होगा, ठीक है, अखरोट जो है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अखरोट की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें जो है लगभग 64% जो है क्या होता है वसा पर फैट पाया जाता है, ठीक है। अखरोट में लगभग 64% जो है क्या होता है वसा पाया जाता है, इसको आप लोग जो है ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है। अगला बात करते हैं, रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन सी, विटामिन सी का सबसे अच्छा सोर्स क्या है? ऑप्शन ए सिट्रस, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी केला, ऑप्शन डी आंवला। सेम क्वेश्चन आपका बिहार कंबाइन रिपीट किया था, याद कीजिए, यही क्वेश्चन बिहार कंबाइन 2020 में पूछा गया, कल के क्लास में बताए थे आपको। सबसे अधिक विटामिन सी जो है भैया किसमें होता है? ऑप्शन के अकॉर्डिंग बताइए, ऑप्शन अगर सही है आप लोग का, बार बार चेरी इज करेक्ट आंसर, बट ऑप्शन के अकॉर्डिंग क्या होगा? कल बताए थे अच्छे से आप लोग को। वेरी गुड, आंवला इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं बारबाडेज चेरी की बात करते हैं, कितना था इसमें पर 100 ग्राम में? कितना था? 200 mg था ना विटामिन सी, 2000 mg पाया जाता है। जबकि आंवला की बात करते हैं बच्चों हम लोग, तो आंवला में कितना था बताइए? आंवला में 600 mg था मात्र, ठीक है, 100 ग्राम आंवला में जो है 600 mg जो है वो पाया जाता था विटामिन सी, तो ध्यान रखिएगा, कल क्लास में अच्छे से बताए थे। अगला है, अत्यधिक जलाकरण क्षेत्र में प्रभावित होने वाला फल है, चैप्टर नंबर 4 क्लास 12th, ठीक है, द मोस्ट वाटर सस
रेपिटेबल फ्रूट ऑफ वाटर लॉगिंग इज, एक वर्ड है थोड़ा सा डिफिकल्ट है, छोड़ दीजिए। ऑप्शन ए केला, ऑप्शन बी अमरूद, ऑप्शन सी आम, ऑप्शन डी पपाया। दीजिए आंसर क्या होगा फटाफट। तो ध्यान रखिएगा, इसका भी एक लिस्ट है, लिस्ट दे दिया आप लोग को, इसका भी एक लिस्ट है, वो पढ़ना होता है कि कौन सा फल है जलाक्रांत सहन करने वाली नहीं करने वाली, पढ़ना होता है। इसका जो है अमरूद इज करेक्ट आंसर, ठीक है, अमरूद यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। आप लोग पपाया बता रहे हैं, यार पपाया कैसे हो सकता है बताइए। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। अगला है, वनस्पतिक रूप से बेर फल है, बताइए। ये क्वेश्चन पूछा ना बोटनिकल, बोटनिकली द फ्रूट इज बेरी फल, बेर फल कौन सा है, सरस, गुठलीदार, पोम या नट। ये भी आपका एक ट्रिक है थोड़ा सा पहचानने का, ठीक है, कैसे कौन सा पहचानते हैं, बता देंगे कभी अगले क्लास क्लास में, कभी इसका अलग से बनाना पड़ेगा वीडियो इस हफ्ते। बेर फल किसका होता है, बेरी प्रकार का फल किसका होता है, सॉरी बेर जो है कौन सा प्रकार का फल है, सरस है, ड्रूप है, पोम है या नट है। तो ड्रूप टाइप का है ना, आप जो पहला क्लास लिए हैं उसमें बताए थे, अच्छा बताए थे जब, देखिए बताए होंगे ना, तो ये जो है ड्रूप होगा, ठीक है। हाँ याद आ गया, मैंगो वाला क्वेश्चन बताए थे, सही बता रही हैं, सही बताए, वेरी गुड। आम जो बताए थे वहां पे तब इसका, इसको हम बताए होंगे, वेरी गुड, सही है, आप लोग क्लास अच्छे से करते हैं इसका मतलब। सर गुआवा तो पानी में एक मंथ तक रहता है, अच्छा मे भी हो सकता है मिस्टेक वाइज क्वेश्चन में, तो उसको देख के बताऊंगा। मेरे ख्याल से ये दोनों में से कोई एक हो सकता है, पपाया फिर गुआवा, कन्फ्यूज है हम भी, देखे नहीं है आंसर, बता देंगे देख के, जो मुझे याद है वही बता रहे थे। अगला है एक तना सब्जी है, बताइए तना सब्जी कौन सा है, ऑप्शन ए गाजर, ऑप्शन बी गांठ गोभी। देखिए गांठ गोभी का इनको इंग्लिश वर्ड याद नहीं आ रहा था, आज आज जो पीपीटी बनाए थे उसमें हमने वह कैबेज यूज किया, कैबेज नहीं होगा, ठीक है। स्वीट पोटेटो और रेडिश, बताइए तना सब्जी कौन सा है जिसका तना हम लोग खाते, एडिबल पार्ट तना होता है, ये बता। देखिए हॉर्टिकल्चर जो आपका है ना क्लास 12 का, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, आप खुद देख सकते हैं, ठीक है। ओके पपाया इज करेक्ट आंसर ऑफ उस क्वेश्चन का, ठीक है, वो जलाक्रांत वाला क्वेश्चन का। ये बताइए क्या था, तना सब्जी कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर बताइए। हाँ गांठ गोभी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन बी जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे दिया हुआ है ना, हमने कहा ना हम कैबेज लिख दिए थे जो हम पढ़ा, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हम बताए ना क्लास 12 वो लोग पढ़ाए थे, हमने कैबेज यूज किया था गांठ गोभी का वर्ड, मुझे कि गांठ गोभी का मुझे इंग्लिश वर्ड उस टाइम पता नहीं था। तो देखिए स्टीम किसका है प्लांट, देखिए आंसर, देखिए यहाँ देखिए आंसर, देखिए कहाँ से क्वेश्चन बना है, कैबेज है ना, हिंदी देखिए लिखे हुए हैं गांठ गोभी पढ़ाते टाइम उस टाइम, बताइए लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका भी काम देगा वो। स्टीम किसका यूज होता है, एडिबल पार्ट है, रूट किसका है, फ्लावर किसका है, फ्रूट किसका है, सीड किसका है, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए फटाक से इसका भी आप लोग। यार एक तो शुक्र मनाइए कि अभी हम हॉर्टिकल्चर पढ़ा रहे हैं इस क्लास में, वो सारा नोट्स आपको दिखा भी दे रहे हैं अभी हम। पोटेटो और रूट जो देखिए लिखा, स्पष्ट लिखा है पोटेटो एंड कैबेज यानी गांठ गोभी, ठीक है, दोनों क्या है आपका, स्पेल सही कर लीजिएगा, कैबेज वर्ड नहीं होगा, माफ कीजिएगा इसमें गलत टाइप है। हाँ गांठ गोभी और पोटेटो दोनों एस्टीम है यहाँ पे, ठीक है, पोटेटो का भी हम लोग एस्टीम खाते हैं बच्चों, ध्यान रहे इस चीज का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है सभी, बस हो गया लास्ट क्वेश्चन आज का, आज का लास्ट क्वेश्चन 25 तक भी बताएंगे, ज्यादा नहीं बताएंगे। ऑल कोल क्रॉप्स बिलोंग टू विच फैमिली, जितने भी गोभी वर्गीय पतले फल ये हैं वो किस प्रकार फसल होगा, यहाँ पे किस परिवार में आते हैं, जितने भी गोभी वर्गीय फसल होते हैं वो किस परिवार में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन।
देखिए कल आप हिंदी मीडियम वाला बच्चा क्या बोला, सर ये बकरी ने छुट्टी दे दीजिए। हिंदी मीडियम का तो छुट्टी था ना आज, इंग्लिश मीडियम वाला तो पढ़ाए थे आज, इंग्लिश मीडियम वालों में तो क्लास हुआ था ना आज, तो उसी को अभी क्लास इंड किए, वो क्लास इंड करके यूट्यूब वाले क्लास पे आए थे, तो यूट्यूब पे जो क्लास हो रही है अभी कुछ क्वेश्चन वहाँ से रिलेटेड आ गया, तो इसलिए आपको हम वो चीज़ दिखा दी, ले दिए स्क्रीनशॉट, ले लो आप लोग पढ़ लो एग्जाम में आप लोग का इसलिए। ठीक है चलिए, क्या करेक्ट आंसर क्या होगा 25 का वो बताइए, और लास्ट क्वेश्चन आज का, इतना ही देखेंगे अब बाकी अगले क्लास में देखेंगे। तो यहाँ पे ब्रैसिक एसिड करेक्ट आंसर होगा, ब्रैसिक एसिड जो है सही आंसर होगा, जितने भी आपका गोभी वर्गीय होता है, पत्ता गोभी, गांठ गोभी, ये सब ब्रैसिक एसिड फैमिली से बिलोंग करता है। ठीक है हाँ, यूट्यूब पे कोई छुट्टी नहीं है, यूट्यूब पे कोई छुट्टी नहीं होगा आपका। ठीक है, वो बैच की बात कर रहे हैं जो प्राइवेट पेड क्लास चलता है एप्लीकेशन पे। ठीक है, पेड क्लास में बच्चे लोग छुट्टी मांग रहे थे क्योंकि बहुत सारे लोग वहाँ पढ़ते हैं ना, बोला सर 2 दिन का छुट्टी दे दीजिए, हम लोग का फेस्टिवल है बकरीद है, तो उन लोग का छुट्टी मिला है। बाकी यूट्यूब पे भी पर डे क्लासेज होगी, डोंट वरी। चलिए बच्चों आज के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलेंगे फिर कल की क्लास में। कल भी जो है हम लोग जितना आज किए हैं ना क्वेश्चन, इतना हम कल भी करेंगे। ठीक है हाँ, यूट्यूब पे क्लास रहेगी, डोंट वरी, आप लोग परेशान मत होइए। यूट्यूब पे जो है एग्जाम तक क्लास आएगी, कोई छुट्टी नहीं है, यूट्यूब पे जो है क्लास कंटिन्यू पर डे होगा, इसमें कोई गैपिंग नहीं, छुट्टी वगैरह यूट्यूब पे नहीं। देखते हैं हर काम छोड़ के हम क्लास दे रहे हैं आपका, क्यों, क्योंकि जरूरी है आप लोग के लिए ना, अभी हम जान रहे हैं। हाँ भैया 30 को भी क्लास होगा बिल्कुल, ठीक है जाते जाते तक क्लास लेंगे आपका हम। चलिए ओके, थैंक यू सो मच, आज के लिए इतना ही। आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल पे नए नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, यहाँ पे आपको मिलती रहती है एग्रीकल्चर से जुड़ी हर एक इन्फॉर्मेशन। और अपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल में दोस्त होंगे उनके पास इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि वो भी इस चीज़ का फायदा उठा सके। और ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके बिहार कंबाइंड के लिए, ठीक है, और बिहार कंबाइंड क्वेश्चन यहाँ से मैच भी करते हैं, इस बात का भी आपको ध्यान होनी चाहिए। ठीक है चलिए, चलिए ओके, थैंक यू सो मच, मिलते हैं कल आप लोग के बैच वाले क्लास में ऐप पे। ठीक है, पेड बैच में, बिहार कमाई वाले बैच में कल आपको 6:30 बजे शाम में आते हैं उस बैच में। चलिए ओके बाय, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर कल के क्लास में। ऑल द बेस्ट आप सभी को, पढ़ते रहिए अच्छे से, एग्जाम टाइम है, जम के पढ़िएगा। ठीक है।